तो कैसा है? और नॉर्मल है तो कैसा है? धीरे धीरे जब जिंदगी की मुश्किलें देखता है फिर फॉल्स परसेप्शन डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, और जैसे फॉल्स परसेप्शंस बढ़ते सेंसिटिविटी बढ़ती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, फिर एक स्टेट आती है एंड ही बिकम्स डिफेंसिव। फिर लास्ट में एक डिफेंडेड स्टेट है जहां सारा कुछ धीरे 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 आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि शुरू कहां से होता है और हमें हर रेमेडी को इसी तरह पकड़ना। ड्यूटीफुल टाउन नॉर्मल सेल, फॉल्स परसेप्शन, सेंसिटिव सेल, डिफेंसिव सेल, डिफेंडेड सेल। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब एक बच्चा होता है तो बच्चे में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती है। क्या क्या क्वालिटीज होती है बच्चे में और बच्चा होता क्या है, पहले तो ये समझ ले कि बच्चा होता क्या है। इसको टेंशन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेडली प्लेफुल, मौज में। तो मौज वाले रूब्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे कि मौज वाले रूब्रिक्स क्या है, और ये बचपन में ऐसा था। बहुत शॉर्ट है और जो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात है। बचपन में वो कैसा था, हाउ वॉज ऑरम इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट। सो खुश, चीयरफुल, एक्साइटमेंट, चीयरफुल, शेयर करने वाला, देने वाला, कोई लेना देना नहीं, जॉय, आज बहुत मजा आया। अगर मैं कहूँ आज लेक्चर देके बड़ा मजा आया, मैं प्लेफुल स्टेट में आ गया, मजा आया, तो फिर ये जॉयबल स्टेट है। लेकिन आई परफॉर्म वेरी वेल, देन दिस इज नॉट जॉय, देन दिस इज नॉट जॉय। मुझे खुशी मिली, अंदर से खुश हुआ, पूरा खुश है। दिस इज जॉय। सो चीयरफुल, बेनोवलेंट, जॉय, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। बच्चे छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड होते और चीज़ों को हाथ लगा के देखते कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दे आर क्यूरियस, मौज में। क्यूरियोसिटी इसलिए नहीं है कि मेरे को ये सीखना है, इससे गेन क्या होगा। गेन के लिए क्यूरियोसिटी नहीं, जस्ट टू नो एंड प्ले, बस यहीं तक सीमित है। अगर आज मुझे ये नॉलेज मिलेगी तो कल मेरे को ये बेनिफिट होगा, दैट इज व्हाई आई एम क्यूरियस, दिस इज नॉट क्यूरियस। छोटी छोटी चीजों में ये क्या है, ये बोतल है, अच्छा लगता है जान, मस्ती में, नॉट फॉर द प्रॉफिट और लॉस,
नेक्स्ट माइंड, माइंडनेस जो शुरुआती दौर में सिंपेथेटिक, ये उसके बेसिक कोर है। जब वो एक हेल्दी स्टेट में बिल्कुल ठीक ठाक है और मौज में, पैशनेट, क्यों ये क्यों बन गया कि कुछ चाहिए था। नाउ दिस इज डेवलप्ड सोरा। इंडस्ट्रियस क्यों बन गया, चाहिए क्या था। अब ये नॉर्मल है, ये मौज वाली स्थिति में, हम सब मौज वाली स्थिति में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ। आज जैसे मुझे बोलना भी था, उसको अरेंजमेंट्स को भी मैनेज करना, तो माइंड बाइफर्केटेड है, बाइफर्केटेड है। अगर मौज में हो तो होगा कि हो जाएगा सब, एक चीज पे ध्यान दे बस, मौज से कर सब मैनेज हो जाएगा। और अगर मैं बाइफर्केटेड हूँ, हाय कहीं कोई कुछ कह ना दे कि ये कमी रहती, एक कोर तो मैं संभाल लूंगा दूसरा, और ये खुदा गवाह है मैंने रात को आके सिर्फ बैनर लगाया, बाकी सारा काम खुद ब खुद है। आई डिड नथिंग, मेरे को तो फ्री छोड़ दिया इन्होंने कि तू लेक्चर भी देगा। सो इफ आई हैव एंग्जाइटी ऑफ परफॉर्मेंस कि कोई कुछ कह ना दे, इसलिए मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, इसलिए मैं फास्टिडियस हूँ। फास्टिडियस क्या है, फास्टिडियस क्या है, फास्टिडियस इज आउट ऑफ व्हाट। फास्टिडियस इज बेसिकली करेक्टिंग द माइनर डिटेल फॉर परफेक्शन। क्यों क्यों कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ बोल ना दे, ऐसा ना हो जाए। अंडरस्टैंड करो, शुरू में कैसा था, किसी चीज की चिंता, शुरू में कैसा था, कैसे किसी चीज की चिंता। सो दीज आर बेसिक, जो एक नॉर्मल सेल की स्टेट है, सबका ध्यान रखना, क्यूरियस, एक्साइटेड, ठीक है। नेक्स्ट नाउ फॉल्स परसेप्शंस, डीपर परसेप्शंस। अगेन द मोर डीपर परसेप्शंस ऑफ ऑरम आर स्मॉल, वर्थलेस, फॉरसेकन, बीइंग डूम्ड। एप्रिसिएशन बाद में आता है, एप्रिसिएशन बाद में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स, इन रूब्रिक्स का मतलब क्या। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करो, बात को जानो, एप्रिसिएशन मुझे क्यों मिलेगी, मुझे एप्रिसिएशन क्यों मिलेगी इफ आई डू समथिंग, इफ आई डू समथिंग। मैंने कुछ किया और उसने बोला शाबाश, शाबाश। ये शाबाश जो है ये एप्रिसिएशन है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आप परफॉर्म करते हो और आपको एप्रिसिएशन मिलती है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। मैं खुद को एप्रिशिएट नहीं करता, मेरे को ये लगता है कि अगर वो मुझे शाबाश कहेगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा फील होगा। मैं खुद ये नहीं सोचता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे शाबाश क्यों बोलूँ। अगर इफ आई एम डूइंग गुड, वाई आई नीड एप्रिसिएशन, एंड एप्रिसिएशन इज ऑलवेज इन परफॉर्मेंस। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया खाना बनाया, दिस इज एप्रिसिएशन। टू एप्रिशिएट योर एफर्ट्स, फॉरसेकन हम सबको पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर लो, डिल्यूजन अलोन और फॉरसेकन।
फोर्सिंग मतलब अबैंडन, अबैंडन मतलब छोड़ गया, यानी कि पहले रिलेशन था, पहले रिलेशन था, अब वो मुझे छोड़ के चला गया, दिस इज फोर्सिंग, मुझे छोड़ के चला गया फोर्सिंग, बट मैं शुरू से ही अकेला हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, और कैसे चलो सिचुएशन ऐसी बनती है। जब आप केसेस लेते हैं, एक फैमिली में एक लेडी है, उसका हस्बैंड दुबई में है, ठीक है, और वो अपने मायके रहती है, मायके में उसकी माँ की हालत अच्छी नहीं है, वो कभी भी उसको छोड़ के जा सकती है। फिर उसका बेटा अगेन वो भी बाहर चला गया, माँ को छोड़ के नहीं गया, लेकिन अब वो कौन सी सिचुएशन में है कि मैं अकेली रह गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे मदर को भी देखना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, आई एम अलोन, बट उसने छोड़ा नहीं, ये फीलिंग है मेरी कि मैं अलोन, मैं अकेली, ठीक है, इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, छोड़ के नहीं गए, बट क्या है, अलोन, लोनलीनेस, मैं अकेली रह, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है कि सिचुएशन वैसी बना के मेरे सामने खड़ी रहती है, और चीज़ें वैसे ही वर्स होती जाती है। अब जो नेक्स्ट केस देखेंगे उसमें आपको और क्लियर होगा कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बचपन से चलता 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 आगे क्या बन जाता है। सो डिल्यूजन बीइंग डूम्ड, डूम्ड मीन्स डिजास्ट्रस डेस्टिनी, डिजास्ट्रस डेस्टिनी, प्लस रुइंड, फ्लश्ड अवे, डेस्टिन्ड टू डिजास्टर, मेरी तो किस्मत च तबाही लिखी है, बर्बादी लिखी है, मैं तो पैदा ही बर्बाद हूँ, डेस्टिन्ड टू डिजास्टर, मेरी तो किस्मत ची आ लिखी है, डेस्टिन टू डिजास्टर, मेरी डेस्टिनी, ठीक है, डिल्यूजन बीइंग डूम्ड, सब कुछ बर्बाद हो गया, शुरू तो इतना ही हुंदा रहेगा, तो मेरी तो किस्मत की बर्बादी है, डॉक्टर साहब मेरी तो किस्मत की बर्बादी है, डेस्टिन टू फेलियर और मिसफॉर्चून। नेक्स्ट डिल्यूजन स्मॉल, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, स्मॉल क्या है कि मैं उससे कम हूँ, वो मेरे से ज़्यादा, हमेशा मदर कंपैरिजन करती कि वो तेरे से अच्छा है, मैं उससे कम हूँ, मैं चीफ गेस्ट हूँ, फिर मेरी फोटो लगनी चाहिए, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मेरी फोटो लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, क्योंकि तो मैं अपने आप को छोटा फील करता हूँ, मैं फील करूँ कि मैं बड़ा, आई एम ग्रेट। नेक्स्ट डिल्यूजन, ही इज वर्थलेस, एक वर्ड है कि मैं किसी काम का नहीं, एक वर्ड है मैं किसी काम का नहीं, काम बने इंग्लिश में वर्क और यूज, मैं किसी काम का नहीं, डिल्यूजन यूजलेस, वो आपको मिलेगा जो नई कंप्यूटर पर चले, डिल्यूजन यूजलेस, बट डिल्यूजन वर्थलेस, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। अब जब मैं खुद के लिए ये फील करता हूँ कि मैं बाकियों से कम हूँ या आई एम अनवर्दी, इस फीलिंग को कवर करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली कोर डिल्यूजन वर्थलेस, स्मॉल, पीछे चले, बीइंग डूम्ड एंड फॉरसेकन,
ठीक है, एप्रिसिएशन बाद में, एप्रिसिएशन, और दूसरा डिल्यूजन ऑफ एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस माने मैं कुछ नहीं, मैं खाली, मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली, और दिस इज डिल्यूजन ऑफ एम्प्टीनेस। मैं कुछ भी नहीं था, मैं खाली हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, ना वर्थ ना यूज, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, डिल्यूजन ऑफ एम्प्टीनेस, दिस इज एम्प्टीनेस। अब जैसे मदर कंपेयर करती है, मैं अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग फील करता हूँ कि ये मेरे को कम प्यार करती है, मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करती है, आई फील पॉसिबल, आई फील पॉसिबल। अब उसको कवर करने के लिए मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, या मैं और सेंसिटिव बन जाता हूँ किस चीज को, नेक्स्ट। अब मैं सेंसिटिव बन गया बेसिक, और दिस इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के पीछे मेरे फॉल्स परसेप्शन है। जब व्हेन आई एम मॉर्टिफाइड, आई फील मोर स्मॉलर, आई फील मोर अनवर्दी, आई मीन आई फील मोर फोर्सेकन। जब मेरी बेइज्जती होती है तो मैं ये ज्यादा महसूस करता हूँ। अंडरस्टैंड कर गए, मॉर्टिफिकेशन। लेकिन पीछे क्या है, उसके ऊपर सोरा के ऊपर अब क्या आ गया, सोरा के ऊपर अब क्या आ गया, अब ये चीजें आ गई। एलिमेंट्स बिजनेस फेलियर, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस। अब बिजनेस फेल हो गया तो क्या, बिजनेस फेल हो गया तो क्या, अब मेरे को लगता है फिर वही फीलिंग है, बिजनेस फेल हो गया तो मुझे कौन पूछेगा, मैं तो फिर अकेला हूँ, ठीक है। फिर ये फीलिंग आएगी कि आई एम बीइंग स्मॉल, सारा कुछ इस पर ही चल रहा, सारा कुछ इस पर ही चल रहा। और जब मुझे कोई रिप्रोच करता है, रिप्रोच आपको, आप किसके लिए करोगे, गलती के लिए, रिप्रोच किसके लिए करोगे, गलती के लिए, और फील हो, और फील हो, यानी कि इस पर सारा कुछ बन रहा है, इसके ऊपर सारा कुछ सेटल हो रहा है, सेंसिटिविटी इसके ऊपर क्रिएट हो रही है, फॉल्स परसेप्शन के ऊपर। आई एम परसीविंग द थिंग्स रॉन्गली, कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं खुद के लिए क्या सोचता हूँ। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। पीछे पीछे जब एंग्जाइटी ऑफ कंसाइंस मीन्स मेरे कारण ये हुआ, तो मैं और घटिया महसूस करना शुरू कर दिया, और छोटा हो गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ, अब मैं इन चीज़ों को सेंसिटिव हूँ, बार बार हर्ट हो रहा हूँ, बार बार हर्ट हो रहा हूँ। What I will do to defend myself, कि मैं hurt ना हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं hurt ना हूँ। अब मैं passionate हो गया, मुझे करके दिखाना जो मर्जी हो जाए। Passionate is not your innate quality, passionate is for some purpose. Passionate is for some purpose. I am passionate. But passionate for what? For ambition? And ambition for what? मैं ambitious क्यों? ताकि मैं खुद feel करूँ I am worthy, I am worthy, I am worthy. मैं खुद को feel करूँ that I am worthy. फिर ये चीज़ें मुझे महसूस नहीं होंगी। अगर मैं passionate होके, industrious होके, fastidious होके काम करूँगा, मेरी कोई गलती नहीं निकलेगी, तो मेरे को वो फीलिंग नहीं है। ऑप्टिमिज्म, व्हाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक ना ऑप्टिमिस्टिक ना पेसिमिस्टिक, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ। ऑप्टिमिज्म तभी आएगा जब नेगेटिव थॉट है, जब नेगेटिव थॉट है ही नहीं तो ऑप्टिमिज्म आएगा कहाँ से, क्योंकि मैं तो वेलबींग में हूँ।
ऑप्टिमिज्म जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव पहले पड़ा, और ये संसार शून्य है, दिस वर्ल्ड इज जीरो, दिस वर्ल्ड इज न्यूट्रल, एंड दिस इज आर परसेप्शंस विच इज मेकिंग दिस ऑप्टिमिस्टिक एंड दिस इज मेकिंग पेसिमिस्टिक. ठीक है, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक क्यों होऊंगा कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है उसको कवर करने के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मेरे अंदर ये विचार ना है. दिस इज अगेन डेवलप्ड सोरा, दिस इज अगेन डेवलप्ड सोरा, मेमोरी एक्टिव. अब मुझे सारी चीजें याद रखनी है, मुझे हर चीज को समझना है. ठीक है, क्यों समझना है, ताकि ये मुझे आगे जाके मेरे एम्बिशन में हेल्प करे. नेक्स्ट, एम्बिशन इंक्रीज, कॉशियस. नाउ सी अंडरस्टैंड, डिल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी इज नॉट द कोर डिल्यूजन. कोर डिल्यूजन क्या है, मैं वर्थलेस हूं, उसको मास्क करने के लिए मैं क्या बन गया कि मैं बहुत तगड़ा हूं. व्हाई आई शुड फील सुपीरियर, हम कुदरत के बनाए, हम सब है, हम सब बराबर है, वी ऑल आर वैल्यूड. यहाँ गीत अपना काम कर रहे हैं, गीत अपनी स्लाइड संभाल रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है, गौरव ने ये बैनर्स बनाए हैं, रामिष्ट सीट अरेंजमेंट देख रहा है, रजत अकोमोडेशन देख रहा है, दमन स्पीच दे रहा है, नीतिका गजराज स्पीच दे रही है, तो फिर वी ऑल आर इक्वल. और एक के साथ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, हर एक का अपना अपना रोल. तो वाई आई एम सुपीरियर, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो गीत क्या करेगा, गीत के बिना मैं क्या करूँगा. Why I feel superior? Because I feel inferior underneath. If I am neutral, then there is nothing. Then there is nothing. Then there is play. वहाँ मौज है, मस्ती है, खेल में मस्ती, काम में मस्ती. ठीक है ना? Dictator. I am being intellectual. मैं intellectual क्यों बन गया? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन पता ही है हम सबको, वैल्यूएशन क्या है, स्पाइंग एवरीथिंग. ये रूबरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगेन दिस इज डेवलप सो स्पाइंग एवरीथिंग, माने ये चीज कैसे होती है, दिस इज नॉट क्यूरियोसिटी. स्पाइंग एवरीथिंग हैज टू मीनिंग, कि हर चीज का मतलब स्पाई का मतलब है, दो मतलब है. एक स्पाइंग होती है कि दूसरे की खबर लेना कंपिटेटर की, ताकि उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के उसको नीचे लगाया जा सके, उसको नीचे लगाया जा सके, उसकी हर खोज खबर पे ध्यान रखना. और दिस इज अगेन ऑल investigate. ठीक है, दैट इज इन्वेस्टिगेट, स्पाई एवरीथिंग, कि इसका आगे जाके बेनिफिट क्या होगा. एक स्पाई ये है कि मैं सबकी खबर रखूंगा और आगे जाके मैं इसे कंपटीशन में आगे कैसे जाऊंगा. नाउ दिस इज अगेन डेवलप सोरा, एंड फॉरम इसमें भी है, तो दूसरे को कंपटीशन में नीचे भी लेके आता है. फिर हम सोचते हैं कि वो कंसेंशियस है, जब वो ऑनर को सेंसिटिव हो गया, वर्थलेस को सेंसिटिव हो गया, तो वो ये भी करेगा. अच्छा,